नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा कॉट ए प्लस कॉस ए, सिद्ध करके लाना है कोसेक ए माइनस वन बट्टा कोसेक ए प्लस वन। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 8 फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है, जिसको तदात्म्य सूत्र बोलते हैं, इडेंटिटी फॉर्मूला बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल ही आसान है। हम सबसे पहले जो है इस तरह के सवाल को हल करने के लिए जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब जो है बराबर से पहले वाला मान, और इसी को सरल करके हम राइट हैंड साइड में बदलते हैं। चलिए देखिए कैसे क्या करते हैं। कॉट को हम जो है सबसे पहले साइन और कॉस में बदलेंगे, तो कॉट का फॉर्मूला यही होता है, कॉस बटा साइन है। तो हम कॉट की जगह पर कॉस ए बटा साइन ए लिखेंगे। यहाँ पर कॉस ए बटा साइन ए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा और बट्टा में भी बट्टा रहेगा। कोट की जगह पर फिर हम लिखेंगे कॉस ए और बट्टा लिखेंगे साइन ए। बिल्कुल आसान है। प्लस कोट कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल कर लेते हैं। दोनों में कॉस है तो कॉस हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉस बाहर निकाल लीजिए, कॉस ए बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ कॉस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा वन और बट्टा में बच जाएगा साइन ए। और माइनस कॉस फिर यहां से कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस यहां से कॉमन लिए हुए तो वन बच जाएगा। सरल करते हैं। फिर दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉस ए बाहर हम निकाल लेते हैं। यहां देखिए कॉस से बाहर निकाले हैं तो वन बचेगा ऊपर में और बट्टा में साइन ए बच जाएगा। और प्लस लिखेंगे, फिर कॉस ए कॉमन लिए हुए हैं तो वन बच जाएगा। सरल कर लेते हैं। कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा, साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, और कोसेक ए यहाँ न्यूनकोण है, माइनस वन हो गया। बट्टा में कोस साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, तो कोसेक ए लिखेंगे और प्लस वन हो जाएगा। यही आपका जो है राइट साइड मिल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दो नंबर में क्वेश्चन ये सिद्ध करने के लिए देगा। फिर एक बार समझ लीजिए, कॉट की जगह पर कॉस बटा साइन लिखे हैं, कॉस ए अपनी जगह पर, कॉट की जगह पर कॉस बटा साइन प्लस कॉस ए अपनी जगह पर। दोनों में कॉस है तो कॉस ए कॉमन लिए हुए हैं, कॉस ए निकाले हुए हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, वन बट्टा साइन ए बचेगा। कॉस ए निकाल लिए तो वन बचेगा। दोनों में कोस है तो कोस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ वन बच जाएगा, बट्टा में साइन ही बच जाएगा। फिर कोस निकाले हैं तो वन बचेगा, कोस से कोस कट जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, माइनस वन अपनी जगह पर, फिर साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, प्लस वन अपनी जगह पर। यही आपको सिद्ध करके लाना है, यही RHS हो जाएगा। देखिए नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन, सिद्ध करके लाना है वन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सरल कर देते हैं। फॉर्मूला सामने है आपके, यहां से हल लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS बराबर से पहले वाला जो है उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। सरल करते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है वन बाई कॉस, यानी कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, तो सेक की जगह पर कॉस ए लिखेगा, वन बाई कॉस ए। और इंटू में वन माइनस साइन ए अपनी जगह पर रहेगा। सरल करते जाइए आप, या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। इनटू में फिर लिखेंगे सेक का उल्टा जो है वन बाई कॉस होता है, वन बाई कॉस ए लिखेंगे। और प्लस फिर टेन का सूत्र होता है साइन बाई कॉस, तो साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे। सरल कर देंगे, यही सरल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सरल करते हैं। यहाँ जो है हर से हर में गुणा करेंगे और अंश से अंश में गुणा करेंगे, हर कुछ नहीं तो वन मानते हैं। यहाँ इंटू छिपा हुआ है, ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का गुणा नीचे में, तो वन माइनस साइन ए से वन में गुणा करेंगे, वन माइनस साइन ए हो जाएगा। और बट्टा में कॉस ए से वन में गुणा करेंगे, कॉस ए हो जाएगा। फिर इसको सरल करेंगे, हर का लघुत्तम निकालेंगे, कॉस ए हो जाएगा। दोनों का हर एक समान है, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा, यानी वन प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला में हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल आसान ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर इसको बैठा देते हैं। ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर, ए की जगह पर वन है, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। और बट्टा में कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। वन का वर्ग करेंगे वन, वन माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। और नीचे में पहले से ही कॉस स्क्वायर ए है,
कोस स्क्वायर, इससे कोस स्क्वायर ये कट जाएगा वन बार में, ये जो है वन बार में कटा है, यही आपका जो है आरएचएस मिल गया, बायां पक्ष दायां पक्ष मिल गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर एक बार रिपीट करते रहे, सेक जो होता है सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बराबर से पहले वाला मान, आप चाहें तो उतार भी सकते हैं नहीं उतार सकते हैं। सेक की जगह पर जो है सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा लिख देंगे इनटू अपनी जगह पर वन माइनस साइन है अपनी जगह पर, फिर सेक की जगह पर कॉस का उल्टा लिखेंगे प्लस अपनी जगह पर टेन का सूत्र साइन बाई कॉस होता है। सरल करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर में तो वन माइनस साइन है, कॉस का वन में गुणा करेंगे कॉस, हर का लघुत्तम यहाँ निकालेंगे कॉस से, हर लघुत्तम समान है अंश सूत्र जाएगा वन प्लस साइन है। सरल करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र में है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर यहाँ पर वन है, बी की जगह पर साइन ए है, तो सरल करते हैं ए स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए, वन का वर्ग करेंगे तो वन और साइन स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। आपको फार्मूला बताया गया है, इसी फार्मूला से जो है एक उप सूत्र मिलता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए अपनी जगह पर दोनों कट जाएगा या एक बार में कटेगा, यही जो है राइट हैंड साइड वन लाना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान वो भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 सिद्ध करना है। cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करके लाना है, वन माइनस cos थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दोनों पक्ष को लेकर के सरल कर सकते हैं, LHS को लेकर के RHS में बदल सकते हैं या RHS को लेकर के LHS में बदल सकते हैं। आइए LHS को पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है cosec और cot है और लाना है cos, तो हम जो cosec और cot है इसको दोनों को सरल करते हैं, फॉर्मूला इसमें बैठाते हैं। cosec जो होता है साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा होता है, तो cosec की जगह पर साइन का उल्टा लिखेंगे वन बाई साइन थीटा, उससे कट सूत्र होता है, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, कोट का फॉर्मूला लिखेंगे कॉस बटा साइन, तो कॉस यहाँ थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। सरल करते हैं, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, हर एक समान है तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, हर लघुत्तम समान है अंश सूत्र जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, यही लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर दे देते हैं, सरल कर लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, साइन थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पर, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सरल करते हैं, सरल कीजिए, बिल्कुल आसान है, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का या होल स्क्वायर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, इसी को सरल कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सरल कर देते हैं, यह सूत्र में हो गया, यह सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाले को हम वैसे उतार देते हैं या सरल कर लेते हैं, दो बार इसको लिखते हैं, तो वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, और बट्टा में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी वन प्लस कॉस थीटा और ए माइनस बी यानी वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर भी वन माइनस कॉस है, नीचे भी वन माइनस कॉस है, कॉस माइनस कॉस से वन माइनस कॉस कट जाएगा, और यही आपको सिद्ध करके लाना है, इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोसेक की जगह पर हम साइन का उल्टा लिखेंगे वन बाई साइन, माइनस अपनी जगह पर कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा साइन होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं, सरल करते हैं, भिन्न का दोनों का हर एक समान है वही उसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, पर लघुत्तम समान है अंश सूत्र जाएगा वन माइनस कॉस, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, सरल करते हैं, देखते हैं होल स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर लिखेंगे नीचे का भी स्क्वायर लिखेंगे, वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिखेंगे साइन का भी स्क्वायर लिखेंगे, सरल करते हैं, वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर है अपनी जगह पर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है इससे जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखे हैं बट्टा में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सरल करते हैं, वन माइनस कॉस का होल स्क्वायर है दो बार है, इसको दो बार अलग अलग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको सजा दिया है, वन माइनस कॉस से वन माइनस कॉस कट गया और यही जो है आपका आर एच एस मिल गया, इसको आर एच एस को भी देख करके एल एच एस में बदल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन,
आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और पिछली बार ये जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करना है रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा, बट्टा वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही सिद्ध करके लाना है। इस तरह के सवाल को सरल करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं, सरल करते हैं। यही जो है LHS से बराबर से पहले वाला यही हम नोट कर लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा लिखते हैं और बट्टा में वन माइनस साइन थीटा लिखते हैं। यहां पर हर का परिमेयकरण करते हैं, हर में a माइनस बी है तो ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा करते हैं। हर का परिमेयकरण का मतलब हर में a प्लस बी होता है तो a माइनस बी से, a माइनस बी होता है तो a प्लस बी से, तो a माइनस बी के रूप में है तो a प्लस बी से गुणा करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे तो, यानी a प्लस बी का मतलब जो है वन प्लस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यही जो है हर का परिमेयकरण होता है, हर में a माइनस बी होता है तो a प्लस बी से और a प्लस बी होता है तो a माइनस बी से हम गुणा करते हैं। यानी यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन थीटा से जो है दोनों तरफ गुणा करेंगे ऊपर भी नीचे भी। सरल कर लेते हैं, सरल कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा दो बार है तो एक बार लिख करके इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का हम लिख लेंगे होल स्क्वायर और नीचे देख रहे हैं यहाँ पर जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए की जगह पर वन है, बी की जगह पर साइन थीटा। फॉर्मूला आप चाहे नीचे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ सरल कीजिए, एक स्टेप और इसको सरल करते हैं। रूट अंडर अपनी जगह पर रहेगा, वन प्लस साइन थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा, होल स्क्वायर भी ऐसे ही उतार लेंगे और नीचे देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। यहाँ जो है वन का स्क्वायर करेंगे वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, रूट अंडर अपनी जगह पर रहेगा और वन प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, नीचे में जो है कोस थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा, दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर लिख लेंगे। सरल करते हैं, सरल कर लीजिए। वर्ग और वर्गमूल दोनों समाप्त हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। वन जो है वन का बट्टा भी कॉस है तो वन का बट्टा कॉस लिखेंगे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जो है साइन का भी बट्टा है तो प्लस लिखेंगे, साइन का भी बट्टा लिखेंगे साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा लिखेंगे। सरल कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। कॉस का उल्टा जो है सेक थीटा होता है और साइन बट्टा कॉस का सूत्र होता है टेन थीटा। यही आपका RHS मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हमेशा पूछता है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा बट्टा वन माइनस साइन थीटा सिद्ध करके लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं बराबर से पहले वाला मान, वन प्लस रूट अंडर वन प्लस साइन थीटा बट्टा वन माइनस साइन थीटा। हर का परिमेयकरण किए हैं, यानी हर में ए माइनस बी है तो ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुणा करेंगे, ए प्लस बी होता है तो ऊपर नीचे ए माइनस बी से गुणा करेंगे। यानी ए माइनस बी का मतलब हम जो है यहाँ वन माइनस साइन थीटा है तो वन प्लस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। सरल कीजिए, रूट अंडर अपनी जगह पर रहेगा, वन प्लस साइन थीटा जो है दो बार है तो एक बार लिख करके होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ देखिए ए माइनस बी इनको ए प्लस बी है, यानी ए स्क्वायर लिखेंगे वन स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सरल कर लेते हैं, रूट अंडर अपनी जगह पर रहेगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा, वन का स्क्वायर करेंगे वन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से सूत्र मिलता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सरल करते हैं, रूट अंडर अपनी जगह पर रहेगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का भी स्क्वायर है तो हम वन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ देखिए रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, वर्ग वर्गमूल समाप्त हो जाता है। यह कॉस जो है दोनों का बट्टा है, वन का ही बट्टा है साइन का ही बट्टा है तो वन का बट्टा कॉस लिख देते हैं, प्लस अपनी जगह पर साइन का ही बट्टा कॉस लिख देते हैं। कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन होता है। यही आपका RHS मिल जाएगा, राइट हैंड साइड मिल गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध करना है cos थीटा बट्टा 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा बट्टा cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा, यानी सिद्ध करके लाना है 2 sec थीटा। देखिए कैसे सरल करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला मान लेते हैं और इसको सरल करते हैं। तो बराबर से पहले वाला जो मान लेते हैं उसमें जो है हर का लघुत्तम निकालते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ एक स्टेप कम किए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखे हुए, 1 प्लस sin थीटा इनटू cos जो है
मतलब हर का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों जो है हर एक समान नहीं है, अलग अलग है, तो गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इनटू जो है कोशिटा हो जाएगा। गुणनफल लघुत्तम होता है तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, तो कोस में कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस अपने जगह पर रहेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ही मान दो बार आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का हम यहाँ होल स्क्वायर लिखेंगे। सरल करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ जो है देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab तो 2a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन थीटा, हम यहां पर साइन थीटा लिख देते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट्टा अपनी जगह पर रहेगा और इसको नीचे वाले को वैसे ही उतारते 1 प्लस साइन थीटा और इनटू जो है कोस थीटा अपनी जगह पर रहेगा। सरल कर लेंगे इसको, सरल करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र जो होता है वह 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और साइन थीटा में गुणा करेंगे 2 साइन थीटा हो जाएगा। बट्टा भैया वैसे ही उतारते जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इसको उतार देते हैं, दोनों को सरल करते हैं, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और प्लस 2 साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, बन गया सवाल। इसको भी हम वैसे उतारेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा और इंटू कोस थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा, दोनों में 2 है तो 2 हम कमल लेंगे, दोनों में से 2 कमल ले लीजिए, यहाँ 2 कमल ले लेंगे तो 1 प्लस बचेगा साइन थीटा बचेगा, और बट्टा में हम यहाँ वैसे ही इसको उतारते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा और इंटू जो है कोस थीटा भी अपनी जगह पर रहेगा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, 2 अपनी जगह पर रहेगा और कोस का उल्टा जो होता है वह सेक होता है, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करके लाना है, बराबर आरएचएस हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिए हुए हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, भिन्न हम हर का लघुत्तम निकालेंगे, दोनों बिजाती है, गुणनफल लघुत्तम हो जाएगा, गुणनफल लघुत्तम होगा तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, कोस में कोस से कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सरल करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर, यह देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ab तो 2, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर साइन थीटा, बट्टा में इसको वैसे ही उतारते हैं, सरल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल करेंगे तो इसको वैसे ही उतार लिए हुए हैं, सरल करते हैं, 1 और 1 ऐड करेंगे 2, 2 साइन थीटा अपनी जगह पर, नीचे वाले को वैसे उतारे हैं, दोनों में से 2 हम कमल लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन थीटा, नीचे वाला वैसे ही उतर जाएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 अपनी जगह पर रहेगा, कोस का उल्टा जो होता है सेक थीटा होता है, यही आपको सिद्ध करके लाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए सिद्ध करके लाना है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कोस से लाना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम दोनों तरफ के साइड को चेंज करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड को भी सरल करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सरल करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर से पहले वाला मान, यही हम इसको सरल करते जाते हैं, डायरेक्ट आप सरल कर सकते हैं या उतार भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को फिर सरल कर सकते हैं, 1 प्लस अपनी जगह पर रहेगा, सेक जो होता है वह कोस का उल्टा होता है, यानी 1 बटा कोस से लिखेंगे, फिर जो है सेक जो होता है वह कोस का उल्टा होता है, यानी सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस से। सरल करते हैं, यहाँ जो है भिन्न का जोड़ है, हर का लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ हर कुछ नहीं है तो यहाँ जो हर है कोस है, ये है वही उसका लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, कोस ए में 1 से गुणा करेंगे कोस ए, प्लस अपनी जगह पर हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 1, बट्टा लिखेंगे 1 बाई कोस ए अपनी जगह पर रहेगा, बट्टा से बट्टा कट जाता है, हर से हर कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, इससे ज्यादा यह सरल नहीं होगा, कोस ए और प्लस 1, ये जो है एलएचएस मिल गया। अब आरएचएस को भी सरल करके एलएचएस के बराबर करेंगे,
आरएचएस लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष बराबर के बाद वाला पक्ष आरएचएस कहलाता है। सरल करते हैं, साइन स्क्वायर ए जो है उसको सरल करते हैं, बिल्कुल आसान है। साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम जो है अब फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, बट्टा में वन माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा। सरल कीजिए, यहां जो है देख रहे हैं इसको आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये सज गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, यह हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बट्टा में वन माइनस कॉस ए अपनी जगह पर रहेगा। आप देख रहे हैं ऊपर भी वन माइनस कॉस है, नीचे भी वन माइनस कॉस है, ये कट जाएगा। यही जो है आप सरल कर लिए, इसको कॉस ए पहले लिख लेंगे, वन बाद में लिख लेंगे, या दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट करते रहे। हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, वन प्लस अपनी जगह पर रहेगा, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, सेक की जगह पर कॉस का उल्टा लिखेंगे, हर का लोग उत्तम निकालें, कॉस से यहाँ हर कुछ नहीं है तो लोग उत्तम और अंश में गुणा करेंगे, तो कॉस ए हो जाएगा, हर लोग उत्तम समान है, अंश उतर जाएगा वन, वन बाई कॉस ए अपनी जगह पर, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस ए प्लस वन, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। आर एच एस लिए हैं, राइट हैंड साइड लिए हैं, सरल करते हैं, कॉस लाना है इसलिए दोनों को कॉस में बदलेंगे, साइन स्क्वायर ए है तो इसका सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में वन माइनस कॉस ए अपनी जगह पर, यह सूत्र में सज गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए, बट्टा में वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए, यह कट जाएगा, और इसको सजा करके लिख दिए कॉस ए को पहले और प्लस वन को बाद में, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए, एल एच एस बराबर आर एच एस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, आइए देखते हैं इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा बट्टा टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम कुछ नहीं करेंगे, एल एच एस लेंगे और उसको राइट हैंड साइड में बदलेंगे। सरल करते हैं, देख रहे हैं दोनों में जो है एल एच एस जो लिए हुए हैं उसमें दोनों में साइन है, ऊपर में साइन थीटा है, नीचे में कॉस थीटा है, तो ऊपर में दोनों में साइन थीटा है, इसलिए दोनों में से साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहाँ टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं, यहाँ से नीचे वाले से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, यानी दोनों में से कॉस थीटा हम बाहर निकालते हैं, टू बच जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक तो साइन कॉमन, एक तो कॉस कॉमन ले लिए हैं तो दो तो कॉस बच जाएगा, यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन लिए हैं तो वन बच जाएगा। सरल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। अब इसको सरल कीजिएगा तो एक जो है आप इंटर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। साइन बटा कॉस, यहाँ जो है साइन बटा कॉस का सूत्र होता है, या पहले आप साइन बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और वन माइनस टू साइन थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और नीचे भी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का सूत्र होता है कॉस टू थीटा। इंटर में यह सूत्र मिलेगा, कॉस टू थीटा से कॉस टू थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। इस सवाल को दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो वन की जगह पर फॉर्मूला लिख सकते हैं और सरल कर सकते हैं। एक और विधि है, इसको भी देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, यहां तक तो समझ गए होंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, दोनों में हम साइन है तो साइन कॉमन लिए हुए हैं, यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ साइन कॉमन लिए तो टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन लिए हैं, यहाँ टू बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यहाँ कॉस निकाल लिए तो वन बचेगा। साइन बाई कॉस का सूत्र होता है टैन, या एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, साइन बाई साइन थीटा बटा कॉस थीटा की जगह पर टैन थीटा आप लिख सकते हैं। इसको सरल करते हैं, वन का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वन की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, और बट्टा में इसको हम लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां भी जो है वन की जगह पर फॉर्मूला लिखेंगे, तो वन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसको सरल कर लेते हैं। बिल्कुल आसान है, टेन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, और इसको सरल करते हैं, सरल कीजिए। यहां जो है हम लिखे हुए हैं टू साइन स्क्वायर थीटा
सरल कीजिए, यहां इसको सरल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा और टू साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट्टा में देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इसको सरल करते हैं, माइनस से दोनों में गुणा करते हैं तो माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको सरल करेंगे तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, टेन थीटा हमारा मिल गया है जो लाना है और इनटू में लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हम उतार लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा उतार लिया, नीचे इसको सरल करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा। ऊपर और नीचे दोनों एक समान है, यही टेन थीटा लाना है तो यही टेन थीटा मिल गया, यही आपका आरएचएस हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फिर एक बार रिपीट करते रहे, कुछ नहीं करना था। यहां जो है वन की जगह पर वन का फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, यहाँ वन की जगह पर फॉर्मूला लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे माइनस इसलिए कॉमन दिए हुए हैं, कॉस दिए हुए हैं, टेन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, इसको सरल करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर रहेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा से में से हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, माइनस से सब में गुणा किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा अपनी जगह पर, ऊपर वाले को उतार रहे हैं नीचे वाले को सरल किए होंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, ऊपर नीचे दोनों एक समान है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से दोनों ये कट जाएगा, बचेगा टेन थीटा, यही आपको सिद्ध करके लाना है आरएचएस। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, दोनों विधियों से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, नया जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सी का होल स्क्वायर, सिद्ध करके लाना है सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद होना चाहिए। सरल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बराबर से पहले वाला, देख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है यहाँ पर मान, तो हम इसको सरल करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर साइन ए है, बी की जगह पर कोस ए है, तो हम ए स्क्वायर लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और बी स्क्वायर लिखेंगे यानी कोस कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और प्लस टू ए बी होता है तो टू ए की जगह पर साइन ए लिख देंगे, बी की जगह पर कोसेक ए लिख देंगे, इसको सरल करते हैं, ये भी ए प्लस बी के रूप में है तो ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस लिखेंगे यहां सेक है तो बी स्क्वायर यानी लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं यहाँ पर और प्लस टू ए बी होता है तो टू ए की जगह पर कॉस ए और बी की जगह पर सेक ए हो जाएगा, सरल कर देते हैं, बन गया सवाल, कॉस स्क्वायर ए और प्लस सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान वन होता है, आप दोनों को एक जगह लिख सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों को सरल कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान वन होता है, कोसेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर रहेगा तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर डायरेक्ट हम सरल भी कर सकते हैं, हमको लाना है जो वो टेन और कॉट लाना है तो कोसेक को हम जो है टेन और कॉट में बदलते हैं तो कोसेक का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है तो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसी फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान वन होता है तो यहां से निकालिएगा तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर जो है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा तो ये लिखे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस अपनी जगह पर रहेगा टू अपनी जगह पर रहेगा, साइन इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन इंटू कोसेक का फॉर्मूला होता है वन, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला साइन इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन, यही फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं यहाँ पर जो है साइन ए इंटू कोसेक की जगह पर वन लिखते हैं प्लस लिखेंगे यहाँ से ये तो समाप्त हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर समाप्त हो गया, सेक स्क्वायर ए हमको लाना है टेन और कॉट में तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिखेंगे,
सी किस पर ए का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर सी किस पर टीटा का फॉर्मूला निकालिएगा तो 1 + tan²θ होगा। जरूर सूत्र भी याद रखिएगा, सी किस पर ए का फॉर्मूला होता है 1 + tan²θ प्लस अपनी जगह पर रहेगा, टू भी अपनी जगह पर रहेगा, कोस ए इंटू सी के का फॉर्मूला देखिए, कोस ए इंटू सी के का फॉर्मूला होता है 1, तो इंटू 1 लिखेंगे, सरल कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 और 2 में ऐड करेंगे 4, और 4, 4 और 1 5, और 5 और 2 7 हो जाएगा। सजा करके लिख लीजिए, पहले टेन स्क्वायर लाना है तो पहले टेन स्क्वायर ए को लिख लेते हैं, फिर बाद में कोट स्क्वायर ए को लिखते हैं, और यही आपका आर एच एस हो जाएगा। फिर एक बार सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल आंसर क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लिए हम, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, 2ab तो 2 ए की जगह पर साइन है, बी की जगह पर कोसेक है, प्लस अपनी जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है, 2ab तो 2 ए की जगह पर कॉस है, बी की जगह पर सेक है। सरल करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 होता है, प्लस अपनी जगह पर रहेगा कोसेक स्क्वायर ए, सिद्ध करके लाना है हमको कोट में, तो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + cot², यही फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे मान, तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 + cot², प्लस अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर साइन ए इंटू कोसेक ए का फॉर्मूला होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, तो साइन ए इंटू कोसेक थीटा की जगह पर 1 लिखेंगे, यह समाप्त हो गया है, प्लस अपनी जगह पर रहेगा, हमको सिद्ध करके लाना है, ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर है तो हमको सिद्ध करके लाना है, टेन में लाना है, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे 1 + tan², यही फॉर्मूला है मुख्य, इसी को सरल करेंगे तो सेक स्क्वायर एक का मान मिलेगा 1 + tan², प्लस अपनी जगह पर 2 अपनी जगह पर कॉस ए इंटू सेक का फॉर्मूला होता है 1, सरल करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, एक और एक 2, 2 + 2 = 4, और 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए को पहले लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर ए को बाद में लिख देते हैं, यही हमको सिद्ध करके लाना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन।